अब कितने दिन पहले केकड़ा घर आया था? 10-12 दिन हो गए जी, जो आया सी अब तो मुड़ के आया जी। ये है बलदेव सिंह, संदीप उर्फ केकड़ा इन्हीं का बेटा है और ये केकड़ा वही नाम है जिसकी चर्चाएं मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कोने कोने में गूंज रही है। जी हाँ, केकड़े के बारे में पिता बलदेव सिंह का क्या कहना है वो भी पूरे तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले इस केकड़े की करतूत सुन लीजिए। दरअसल सिरसा के कानावाली गांव का रहने वाला ये केकड़ा मूसेवाला हत्याकांड का ऐसा सूत्रधार है कि जिसके बिना यह हत्याकांड संभव ही नहीं था। केकड़े ने सबसे पहले फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला की रेगी की थी और फिर घर पहुंचकर मूसेवाला के साथ बकायदा सेल्फी भी ली थी। सेल्फी लेने के बाद केकड़े ने हत्यारों को मूसेवाले के बारे में जानकारी दी थी। इसी ने बताया था कि मूसेवाला बगैर गनमैन के घर से निकल रहा है और इसी ने ही बताया था कि मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर भी नहीं लेकर गए हैं, जिसके बाद हत्यारों ने घात लगाकर मूसेवाला का मर्डर कर दिया। केकड़े की इस तमाम हरकतों को बयां करती एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केकड़े को दबोच लिया है। उधर मूसेवाला हत्याकांड में केकड़े की करतूत उजागर हुई तो कानावाली गांव में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पंजाब केसरी की टीम जब केकड़े के घर पहुंची तो पिता बलदेव सिंह ने केकड़े का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बलदेव सिंह ने बताया कि केकड़ा नशे का आदी है और कई कई दिनों तक घर नहीं आता। इतना ही नहीं, बलदेव सिंह ने बताया कि उसकी बेटी शादी के लायक हो गई है लेकिन उसके दोनों बेटे नाकारा है। केकड़ा नशे का आदी है तो दूसरा भाई हत्या के मामले में आरोपी है और घर से भागा हुआ है। क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह जी। केकड़ा क्या लगता है जी आपका? ऐता मेरा बेटा जी। पूरा नाम क्या है जी केकड़ा का? उदा केकड़ा और संदीप जी। सिद्धू मूसेवाला कांड में पंजाब पुलिस कह रही है कि उसने रेकी की है और वाहन भी प्रोवाइड करवाए हैं, तो कितना क्राइम? मैनू तो नहीं पता जी, मैनू तो आप घरों कड रखे उन्हें। नशा पत्ता करता जी, वो कदे 5-7 दिन तो 10 दिन तो घर आ जाता, कदे नहीं आता जी। मैनू तो आप परेशान कर रखे जी, कुड़ी ब्याहुण वाली है जी। अब कितने दिन पहले केकड़ा घर आया था? 10-12 दिन हो गए जी, उदो आया सी, उदो मुड़ के आया नहीं जी। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके साथ? और एक मेरी बेटी है जी, एक बेटा है। केकड़ा को लेकर कभी पुलिस ने पहले भी आपके घर कोई दर्ज दिया है किसी मामले में, केकड़ा का नाम आया हो? नहीं जी, मैनू नहीं पता। को एक बारी वो नशा नुशा पीते पकड़ ले सी जी, चिट्टा पींदा सी जी, कब घरे बढ़ता सी कभी नहीं बढ़ता सी जी। किस तरह का है केकड़ा का व्यवहार? वो चिट्टा चिट्टा पींदा जी, वो बस हमारा है जी, लाड़पना घरे तो बढ़ता नहीं, और कोई पता नहीं कितने रहना जी। माँ प्यो, माँ तो गुजरी हुई है, प्यो इकला जी बेचारा मजदूरी करता। बस यहाँ तो इनू तो आप नहीं हो कोई टुकते डेला, समझ तो सामने घरों कड रखे इनू भी, कभी आप नहीं आता, कदम किमें कदम किमें। बस कोई कितने दिन पहले देखा था केकड़ा को आपने? यहाँ असं तो कम धंधे लगे उस तक बाले दिन हो गए जी, तो टकरे नहीं तो ना ही घर देखे मैं उन्हें। मैं तो अज कल पता लगे जी, कल आया जो मैं रोटी खाने दोपहरे, वो भी दस भी ए करके केकड़े पुलिस फड़ के ले गई, पता नहीं की गल हुई। बता दें कि केकड़े की मौसी गांव मूसा में रहती है और केकड़े की बहन सिद्धू मूसेवाला के साथ लगते गांव रामदत्ता में शादीशुदा है। हत्याकांड से पहले केकड़ा फैन बनकर मूसेवाला से मिलने गया था और इसी दौरान उसने मूसेवाला की एक एक हरकत हत्यारों तक पहुंचा दी। बहरहाल केकड़े पर लगे इन सारे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जाँच में ही साफ हो पाएगी, मगर मूसेवाला हत्याकांड में केकड़े का नाम चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। कानावाली से श्रवण प्रजापति, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।